मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है जब कोई मजाक उड़ाता है, भला बुरा कहता है, ये कहकर डीमोटिवेट करता है कि तुम ना रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, और ऐसी बहुत सी बातें। पर क्या तुमने एक चीज नोटिस की है, लोग ऐसा करते क्यों है? मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वो ना आपको एज अ कॉम्पिटिशन देखते हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, और इसीलिए वो आपसे जेलस भी होते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त एक डर लगा रहता है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ, और यही वजह है कि वो आपकी ग्रोथ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बीच में एक डिस्ट्रैक्शन बनकर खड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों में उलझे रहें, परेशान होते रहें, बजाय कि आप खुद पे या अपने गोल्स पे फोकस करें। वो आपकी बुराई करेंगे, आपको डराएंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, उल्टी सीधी बातें करेंगे, मतलब पूरी तरह से आपको पीछे ढकेलने का काम करेंगे, क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं है ना। तभी तो वो इतने माइंड गेम्स खेलते हैं कि वो आपको नीचा दिखा सके। इसीलिए जब भी कुछ ऐसा हो ना, तो खुद से पूछना कि सामने वाले की बात में कितनी सच्चाई है, और 90% तुम यही पाओगे कि सामने वाला सिर्फ इसीलिए कह रहा है ताकि वो तुम्हें चोट पहुंचा सके। और जब तुम्हें ये बात का एहसास होता है, तब तुम उनकी बातों को पर्सनली लेना तो दूर, उनकी इन हरकतों पे हंसना शुरू कर दोगे। हाँ, याद रखना, जितना ज्यादा तुम उनके एक्शन का रिएक्शन दोगे, उन्हें उतना ही मजा आएगा, और वो तुम्हें गुस्सा दिलाने में, तुम्हें बुरा फील करवाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनका इरादा ही आपको हर्ट करने का होता है। इसीलिए तुम्हारा उनके लिए करारे से करारा जवाब पता है क्या होना चाहिए, कि उन्हें उनके मकसद में कभी कामयाब मत होने दो, मतलब खुद पर उनकी बातों का असर ही मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा यही एटीट्यूड उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा। जी हाँ, दे आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। इसीलिए परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से, क्योंकि लोग तो कहते ही रहेंगे, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। लेकिन तुम अगर ऐसे ही डिस्टर्ब होते रहोगे, तो कोई भी आकर आपको डिस्टर्ब कर देगा, और लोगों को और भी मजा आएगा। इसलिए लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो, उन्हें इग्नोर करो, और अपना कंट्रोल अपने पास रखो, वरना यूं ही परेशान होते रहोगे। सो, एक तरफ है लोगों के वर्ड्स, दूसरी तरफ हो तुम खुद, तुम्हारी लाइफ। चुनना तुम्हें ही होगा कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लोग या तुम।